स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं अमीकासिन के बारे में। तो इससे वीडियो शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हम दवा का रिव्यू करते हैं आपको नया नया दवा के बारे में और बेहतर तरीके से बताते रहते हैं आपको। तो अगर आप नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अमीकासिन जो है वो एंटीबायोटिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अमीकासिन। और अमीकासिन यहाँ जो है वो साल्ट नेम हो गया, अमीकासिन इसका नाम हो गया, क्योंकि एरिस्ट्रो कंपनी बनाती है इसको। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ एरिस्ट्रो कंपनी लिखा हुआ है, तो एरिस्ट्रो कंपनी का है ये। अब हम लोग इसको जान लेते हैं कि किस चीज़ में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जनरली इसका पेट के नीचे वाले पार्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए पेट के नीचे में जितना भी नाभि के आसपास जितना भी प्रॉब्लम होता है उसमें इसको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए फीमेल पार्ट में हो गया, इन्फेक्शन वगैरह होता है, जैसे मान लीजिए यूट्रस में प्रॉब्लम आ जाता है, पानी वानी गिरने लगता है उससे, तो ऐसा कंडीशन में इसको दिया जाता है। मान लीजिए किसी पेशेंट को पेशाब में इन्फेक्शन हो गया, बार बार पेशाब लगता है, पेशाब में जलन होता है, वो सब कंडीशन में इसको चलाया जाता है। ये जनरली एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है, मतलब कि बैक्टीरिया पर इफेक्ट करता है और फंगस इन्फेक्शन वाले पेशेंट को ये दिया जाता है। तो ये जनरली कान में दर्द रहने पर, कान में इन्फेक्शन लगने पर, दांत में इन्फेक्शन लगने पर, स्किन में प्रॉब्लम होने पे, इन सब चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मान लीजिए डिहाइड्रेशन हो गया, वैसा कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। लूज मोशन वगैरह हो रहा है, वैसा कंडीशन में उसको दिया जाता है। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि इसका नुकसान क्या है। अगर इसको लेते हैं तो इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, इससे किडनी फेलियर वगैरह हो सकता है, जॉइंट में पेन हो सकता है, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम आ सकता है आपको। हिटाची वगैरह हो सकता है, वोमिटिंग जैसा लग सकता है, इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ पूछना हो इस विषय में तो कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।